अच्छा, तो अभी तक हमने देखा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से हम सेट करते हैं। अब मान लीजिए कि एक छोटी सी चीज इसके अंदर ही करके देखते हैं अपन, कि अभी तक तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग बाय आईडी कर रहे थे, ठीक है। अब बाय नेम करके देखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, थोड़ा सा चेंज करते हैं बस। ये आईडी के थ्रू कर रहे थे, तो आईडी की जगह यहाँ पर कर देते हैं सिर्फ नेम, ठीक है। और सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके देखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में आरिज पहले आ रहा है, फिर चेतन आ रहा है, फिर खुशी आ रही है, फिर प्रमोद, फिर विक्रम। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देखते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर तो देखिए, विक्रम सबसे पहले, फिर प्रमोद, खुशी, चेतन एंड आरिज। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आप कोई और कंट्री वाइज कर सकते हो, आप सिटी वाइज कर सकते हो, किसी को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ये सब कर सकते हो। यहाँ पर वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो अगला अपना एक और क्वेश्चन है मेरे आपके लिए। मेरे पास में क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास में, इफ वी नीड टू सेलेक्ट टू एलिमेंट्स, सिर्फ दो एलिमेंट्स हमें सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से, तो कैसे करेंगे? सॉरी, बॉटम से तो कैसे करेंगे? तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर करके तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे, फिर हम लिमिट लगाकर स्टार्टिंग के दो ले लेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, बॉटम वाली ऊपर आ जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे उसमें लिमिट लगा देंगे। तो सेम वही करेंगे। अच्छा, हम आईडी से ये करना चाहते हैं, ठीक है। आईडी डिसेंडिंग लगाकर हमने वो ऑर्डर उसका वो चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, और फिर लिमिट लगा देंगे हम। हमें कितने चाहिए? सिर्फ दो चाहिए, नीचे से सिर्फ दो चाहिए। तो ये आ गया प्रमोद और विक्रम। तो प्रमोद और विक्रम हमारे पास में आ गया नीचे से, 5 एंड 4। सो फिफ्थ वाला था प्रमोद और फिर है विक्रम अपने पास में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब देखिए, 10th वाला अपने पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम सर्चिंग के ऊपर आ गए हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइस, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। अब हम पहुंच गए हैं सर्चिंग के अंदर। हमारे पास में है लाइक। सो लाइक क्लॉज कैसे काम करता है समझते हैं। उससे पहले कुछ कुछ चीजें और समझिए आप। मान लीजिए कि हमारे पास में एक कैरेक्टर ये है, ठीक है, परसेंटेज अपने पास में एक सिंबल है। परसेंटेज सिंबल से हम क्या कर सकते हैं? परसेंटेज सिंबल अगर हम किसी भी स्ट्रिंग में लगाते हैं तो वो दर्शाता है कि या तो जीरो या फिर वन और मल्टीपल मल्टीपल कैरेक्टर, वो मल्टीपल कैरेक्टर को दर्शाता है। अगर हमारे पास में एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, ए परसेंटेज लगा दिया आपने, तो ए फॉलोड बाय ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कितने भी या तो जीरो हो सकता है, या तो केवल ए हो सकता है, या फिर वन हो सकता है, वन ए हो सकता है, या फिर बी वन बी हो सकता है, या फिर वन सी हो सकता है, या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ए बी हो गया, ए बी हो गया, या ए सी ई जेड, कुछ भी, ठीक है। परसेंटेज लगाया तो कुछ भी, ठीक है। फिर आपके पास में अंडरस्कोर, नॉट माइनस, ये है अंडरस्कोर। जो अंडरस्कोर है उसकी मदद से हम इट रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर, इट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर, तो केवल एक जो करेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर कुछ भी हो सकता है, सिंगल अगर आपने ये लगा दिया तो इट मीन्स ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे अगर मैंने लगा दिया एग्जाम्पल ए अंडरस्कोर, तो यहां पर कुछ हो सकता है, ए फॉलोड बाय फॉलोड बाय एनी सिंगल कैरेक्टर, एनी सिंगल कैरेक्टर, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। अब आप देखिए, यहां पर अगर मैं एमएस उसकी बात करूं, एक्सिस की बात करूं, तो इन एमएस एक्सिस, जो एमएस एक्सिस सॉफ्टवेयर है इसका, इंस्टेड ऑफ परसेंटेज एंड जो अंडरस्कोर है वहां पर क्या यूज करते हैं,
स्टार एंड जो आपका ये क्वेश्चन मार्क है वो यूज करते हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब परसेंटेज की जगह तो स्टार यूज करते हैं, एंड की जगह पर वहां पर अंडरस्कोर यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी एंड की जगह नहीं, परसेंटेज की जगह पर स्टार और इसके अंडरस्कोर की जगह पर वहां पर क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, सॉरी गाइस, ठीक है। सो आई होप अप टू हियर यू यू हैव क्लियर एवरीथिंग। अब मान लीजिए कि आपको है ना स्टार्टिंग नेम चाहिए चेतन, सी से आगे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का स्टार्टिंग जो अल्फाबेट है वो सी होना चाहिए, आगे का कुछ भी हो तो वो क्या होगा, परसेंटेज। कि आगे कुछ भी, या तो जीरो हो सकता है, जीरो स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर वन करेक्टर हो सकता है, या फिर मल्टीपल करेक्टर हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, सी से होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को वो चाहिए, तो कैसे मैं खोजूंगा, तो लाइक ऑपरेटर की मदद से खोजूंगा मैं। तो लाइक एक सर्चिंग के लिए मैंने पहले बता दिया था आपको, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, हमारे पास में टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। वेयर, देखो कंडीशन, सर्चिंग के लिए कंडीशन लगानी जरूरी है, वेयर जहां क्या नेम जो है वो किसके जैसा होना चाहिए, लाइक, हम लाइक ऑपरेटर पढ़ रहे हैं ना, लाइक क्लॉज पढ़ रहे हैं यहां पर, तो लाइक किसके जैसा होना चाहिए, लाइक सी परसेंटेज इसके जैसा होना चाहिए, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, मैं दिखाता हूं इसको करके दिखाता हूं, सेलेक्ट परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट वेयर, कंडीशन लगानी जरूरत है, लाइक किसके जैसा, नेम जो है आपका वो होना चाहिए स्टार्टिंग विद सी, सी परसेंटेज, ठीक है। तो ये मैंने, ओह सॉरी, ये गलत दिखा रहा है आप लोगों को, यहाँ पर नेम थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, वे आर नेम लाइक, लाइक किसके जैसा होना चाहिए, सी परसेंटेज। सो ये मेरे पास में आ गया, केवल चेतन ही ऐसा है जो कि सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर मैं कोई और भी नाम दूंगा, जैसे कि चंदन दूंगा, या फिर कोई भी नाम दूं जो कि सी से स्टार्ट हो रहा है, तो रिट्रीव होके आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं वी दूं इसके आगे, तो वी भी निकल के आ जाएगा, अगर वी से जो भी नाम है वो निकल के आ जाएगा, वी से स्टार्ट होने वाला एक ही नाम है यहाँ पर, विक्रम, तो रिट्रीव हो गया हमारे पास में विक्रम। अब मान लीजिए कि मेरे को ऐसा नाम फाइंड करना है कि जो कि स्टार्टिंग तो उसकी है, स्टार्टिंग करेक्टर नहीं, सेकंड करेक्टर उसका होना चाहिए आई से, ठीक है, सेकंड करेक्टर उसका होना चाहिए आई से, और नेम नहीं, सिटी में, सिटी के अंदर सेकंड जो करेक्टर है वो आई होना चाहिए, फर्स्ट कोई भी हो सकता है, तो फर्स्ट कोई भी हो सकता है इसका मतलब अंडरस्कोर, सेकंड आई, उसके आगे कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, तो मेरे को ये रिट्रीव करना है। तो सॉरी, ये मैंने नेम की जगह पर मेरे को लिखना है, ठीक है, नेम की जगह पर सिटी लिखना है, यहां पर तो लाइक ही रहेगा, नेम की जगह पर सिटी लिख दिया और ये मैंने रिट्रीव कर दिया। तो ये देखिए, जितने भी पिलानी सिटी, देखिए पिलानी के अंदर दूसरा वर्ड जो है वो आई है ना, तो ये हमारा रिट्रीव हो गया। अब यहां तक आपका ये फंक्शन जो कि सर्चिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो हमने कवर कर लिया। अब आगे है हमारे पास में फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस। सो हम फंक्शंस देखेंगे, कौन कौन से फंक्शंस है हमारे पास में। सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास में सम। सो इफ यू वांट टू सम सम, मान लीजिए कि आईडी की जगह पर, पहले मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी की जगह मान लीजिए आपका सैलरी हो, है ना, और आप इसको पूरे को 1 2 3 4 5 6 सबको ऐड करना चाहते हो, ठीक है, सबको ऐड करके और उसको रिट्रीवल चाहते हो, तो आप कैसे करोगे उसको, तो उसके लिए हमें एक प्रोवाइड किया गया है सम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल की जगह पर सिर्फ हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, है ना,
किसका सम चाहिए, इस आईडी वाले पोर्शन का सम चाहिए, मान लीजिए फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, ठीक है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा हमारा इसका। तो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया जिसके अंदर हम पैरामीटर क्या पास करेंगे, जिसका भी हमें सम चाहिए, तो सम इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे कोई भी जिसका भी हमें सम चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया आईडी का सम चाहिए, तो ये इंटीजर या फ्लोट वैल्यू के लिए ही मतलब वैलिड है। अगर आप वेर कैर के लिए डालोगे तो ये नहीं होगा, इनवैलिड दिखाएगा। जैसे कि मैं करके दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। अगर ये आईडी की जगह पर मैंने नेम दिया सपोज, तो इट विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि इसके अंदर वो पैरामीटर ही नहीं होगा। तो देखिए जीरो आ गया यहाँ पर। सो यहाँ पर वार्निंग भी दे रहा है वो बेसिकली कि ये गलत है, ठीक है। तो ये किसके लिए हो सकता है, सिर्फ इंट के लिए, इंटीजर या फ्लोट के लिए, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। उसके आगे है दूसरा है हमारे पास में, मान लीजिए कि हमें चाहिए एवरेज, तो एवरेज के लिए भी हमारे पास में एक और है, एवरेज के लिए एक और फंक्शन है AVG, AVG, और इसके अंदर भी हम क्या पास करेंगे, नेम ऑफ द कॉलम, जो कि किस डेटा टाइप का होना चाहिए, आइदर इंट और फ्लोट, वेर कैर के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये याद रखिएगा। तो सेम इसी के जैसे वो होगा, सम की जगह हम क्या कर देंगे, सम की जगह हम कर देंगे AVG, दैट्स इट। ये आ गया हमारे पास में एवरेज। तो हमें पता ही है 1 से लेकर 5 तक का एवरेज क्या होता है, 3। यहाँ पर नोटिस कीजिए, इसने वैल्यू रिटर्न किया फ्लोट, तो एवरेज का जो रिटर्न टाइप होता है फ्लोट होता है, वहीं सम का जो रिटर्न टाइप होता है 15 होता है, वो डिपेंड करता है एक्चुअली, ठीक है। अगला फंक्शन है हमारे पास में काउंट। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ रोज काउंट करना चाहते हो कि आईडी कितने नंबर ऑफ आईडीज हैं, अलग अलग आईडीज हैं, तो आप उसके लिए सीधा सीधा हमारे पास में फंक्शन है CoUnt काउंट, ठीक है, CoUnt काउंट। आप कहोगे कि क्या ये केवल बड़े के लिए काम करता है, कैपिटल लेटर्स के लिए काम करता है, तो हम एक बार इसके लिए स्मॉल लेटर्स के लिए भी देख लेते हैं। हाँ, ये स्मॉल लेटर्स के लिए भी काम करता है, तो जरूरत नहीं है कि आप कैपिटल ही लिखें, अगर स्मॉल लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आप अपने पास में अगला फंक्शन है वो है मिनिमम और मैक्सिमम। थर्ड नंबर का जो फंक्शन है वो है मिनिमम एंड मैक्सिमम। इफ यू वांट टू रिट्रीव मिनिमम और मैक्सिमम वी कैन डू सो। तो देखिए हम मिनिमम कैसे करेंगे, मान लीजिए इस आईडी के अंदर मिनिमम कौन सा है, तो इसकी जगह पर, काउंट की जगह पर हम क्या लिख देंगे, मिन फंक्शन, मिन, दैट्स इट। ये हो गया आपका मिन, और मैक्स के लिए MAX, मैक्स। अब मान लीजिए कि मेरे को ऐसा चाहिए, मैं ऐसे बोल दूं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी रोज है इस मैक्सिमम आईडी से एसोसिएटेड, हमें वो सारी रो चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम आईडी किसकी है। मान लीजिए आईडी की जगह पर ये सैलरी है, जिसकी मैक्सिमम सैलरी है उस बंदे की सारी डिटेल निकाल के दो, ठीक है। एसीपी प्रद्युमन बोलते हैं दया को कि भाई साहब सारी डिटेल निकाल के दो, इस बंदे की जितनी जिसकी भी सबसे हाईएस्ट सैलरी है उसकी सारी डिटेल हमें निकाल के दो, ठीक है, एसीपी साहब ने बोला। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर यहां तो डाल देंगे स्टार, लेकिन यहां डालें कंडीशन वेयर आईडी, और यहां पर नेस्टेड वो लगेगा अपना, ठीक है, ये रिटर्न करेगा एक फंक्शन। हम तो सेलेक्ट करेंगे किसको, मैक्स को, मैक्स आईडी वाले को। आईडी यहां पर सैलरी को डिनोट कर रहा है, आप समझने के लिए एक बार समझ लीजिए, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से, और वो रिटर्न कर देगा। देखिए इसने क्या रिटर्न किया, सेलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम स्टूडेंट ने क्या रिटर्न किया, मैक्सिमम रिटर्न किया 5, और वो कहाँ, किस में डाल दिया, आईडी में। ये एक आपका पूरी क्वेरी है, इसको कहते हैं नेस्टेड क्वेरी। सो सेलेक्ट आपने किया ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, जहां पर आईडी क्या है,
पहले ये वाला चलेगी, ये वाली क्वेरी चलेगी, ये वाली क्वेरी कुछ रिटर्न करेगी, जो क्वेरी रिटर्न करेगी वो किसके अंदर स्टोर होगी, आईडी के अंदर स्टोर होगी, फिर बाद में यहाँ पर कंडीशन लगेगी और उसके उससे एसोसिएटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव हो जाएगी एट लास्ट, आपको ये प्रिंट होकर मिल जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। अगर आपके पास में कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, सो डू कमेंट। ओके, सो इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है गाइस वो है फॉरेन की एंड जॉइंस के ऊपर। फॉरेन की और जॉइंस को समझने के लिए आपको यहां तक वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, बीच में से उठा के देखोगे तो नहीं समझ में आएगा गाइस। सो मैं लिख लेता हूँ, टॉपिक का नाम है फॉरेन, सॉरी, फॉरेन की, आपका है IGN, फॉरेन की एंड जॉइंस। तो समझते हैं ये होता क्या है बेसिकली। इफ योर डेटा इज स्कैटर्ड इन मल्टीपल टेबल्स देन इट इज कम्स अंडर दिस कॉन्सेप्ट। सो यूजिंग दिस वी कैन इंटरकनेक्ट टू टेबल्स। एक प्राइमरी की होता है दोनों टेबल में जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे काम करता है। फर्स्ट क्रिएट वन टेबल, वन मोर टेबल, पहले एक और टेबल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि लैपटॉप के लिए टेबल हमने क्रिएट कर लिया, एक और टेबल हमने क्रिएट कर लिया लैपटॉप के लिए। ठीक है, उसके अंदर हम डेटा डाल रहे हैं कि भाई किसके पास में कौन कौन सा लैपटॉप है, लैपटॉप का मॉडल भी डाल देते हैं, जैसे 2 2 2 करके एक डाल दिया मॉडल नंबर, यहाँ पर आ गया लैपटॉप मॉडल नंबर, यहाँ पर आ गया उसका लैपटॉप का नेम, कौन सी कंपनी का लैपटॉप है, तो लैपटॉप नेम। ठीक है, फिर बाद में अगला आ गया, मैंने डाल दिया सपोज स्टूडेंट का नाम डाल दिया, वहां पर कुछ भी डाल दिया मैंने, समझने के लिए समझ लेते हैं कि वहां पर स्टूडेंट आईडी डाल दी मैंने। ठीक है, सो ये 3 कॉलम मैंने डाले। यहाँ पर मैंने डाला कि लैपटॉप का नाम जैसे डेल डाल दिया, स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4। ठीक है, तो ये एक और टेबल मैंने बना ली, और पहले वाली टेबल, इस टेबल का नाम दे दिया लैपटॉप, और पहले वाली जो टेबल थी हमारी स्टूडेंट टेबल वो तो हमारे पास थी। अब उन दोनों टेबल को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, सो अगर इफ यू वॉन्ट टू अपेंड दिस टू, सो हाउ वी विल डू, अब पहले तो ये डालकर इनके अंदर इंसर्ट भी करना पड़ेगा, तो पहले एक और टेबल बनाते हैं। ठीक है, जल्दी से हम लैपटॉप नाम से एक टेबल बना लेते हैं। तो आप, मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, सो क्रिएट टेबल, ठीक क्रिएट टेबल लैपटॉप, लैपटॉप्स। अब देखिएगा यहां पर इसकी आईडी, ठीक है, लैपटॉप की आईडी वो इंट होनी चाहिए और प्राइमरी होना चाहिए, इट शुड नॉट बी डुप्लीकेट, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइमरी होनी चाहिए। फिर लैपटॉप का मॉडल, मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेयर कैर होना चाहिए, इसको रख लेते हैं अपन 200 रख लेते हैं। ठीक है, इसकी साइज इंट की तो बाय डिफॉल्ट 11 होती है, मैंने आपको बता ही दिया था वो। ठीक है, फिर है स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी डाल दिया मैंने, उसको कर दिया इंट। अच्छा, यहां पर मैं एक और चीज करूंगा, ये चीज ध्यान देने के लिए, यहां पर मैंने लिखा जो आपका फॉरेन की है, ये स्टूडेंट आईडी वाली, वो आपकी एक फॉरेन की के साथ में एसोसिएट हो जाएगी, फॉरेन की के साथ में, जो कि कौन है, स्टूडेंट आईडी है, क्योंकि किसको रेफर कर रही है, जो रेफरेंस है, दैट रेफरेंसेस टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में जो आईडी है, नॉर्मल आईडी जो वेरिएबल है उसको रेफर कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है फॉरेन की, यहां पर जो स्टूडेंट आईडी है वो एक फॉरेन की जो आपकी स्टूडेंट टेबल में है उसके साथ उसको रेफर कर रही है, उसके रेफरेंस में है, तो ये करके मैंने क्रिएट कर दिया और यहाँ पर क्वेरी एक और जनरेट हो गई। तो अब मैं अगर इसको बोलूंगा कि शो टेबल, कितनी टेबल्स है, शो टेबल्स, तो ये दिखा देगा हमारे पास में 2 टेबल्स हैं, एक तो स्टूडेंट है और दूसरी है लैपटॉप। ठीक है, तो ये हमारे पास में टेबल्स आ गई। अब मान लीजिए कि हमें इसका डिस्क्रिप्शन देखना है,
लैपटॉप वाले का डिस्क्रिप्शन देखना है, क्या क्या इसके अंदर है, मैंने क्या क्या लिखा है इस टेबल के अंदर। लैपटॉप्स, तो ये आ गया इंट, ये है वेरिएबल और ये है इन टाइप का। तो मैंने इसके अंदर दिया ही था कि ये इसके अंदर डेटा डालना ही पड़ेगा और बाकी के अंदर मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ठीक है। तो अब मैं जल्दी जल्दी इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। सो इंसर्ट इनटू लैपटॉप, और डायरेक्ट वैल्यूज के साथ में डालूंगा मैं वैल्यूज। पहले वाले के अंदर मॉडल नंबर डाल दिया मैंने 12, HP का लैपटॉप है वो, HP। और मान लीजिए इसके अंदर स्टूडेंट आईडी डाल दी फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। सो ये मैंने पहले वाले, थोड़ा सा गलत आ रहा है यार। अच्छा यहाँ पर मैंने इनटू लिखना था मेरे को, इनटू, ठीक है। सो ये थोड़ी सी एक गलती हुई है, और ऐसे ही आप सेकंड वाले के लिए कर दीजिए। तो मॉडल नंबर भी सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कर देते हैं हम 13, और HP की जगह पर कर देता हूँ मैं डेल कर देता हूँ। अब यहाँ पर डेल, HP की जगह कर दिया डेल, और अगले वाले में मैंने कर दिया यहाँ पर थर्ड आईडी नंबर 3 के लिए HP कर देता हूँ, लेकिन मॉडल नंबर बदल देता हूँ, 14 कर देता हूँ। और एक और मार्केट में एक नया कंप्यूटर आया है, मैं भी वही यूज कर रहा हूँ, अवीटा। सो अवीटा के लिए डाल दिया मैंने, और इसका मॉडल नंबर 15, और इस फोर्थ वाले के लिए, ठीक है। और फिफ्थ वाले के कर देता हूँ मॉडल नंबर 16, इसका कंप्यूटर का नाम कर देता हूँ मैं एसर। ऐसा कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे को आप ये दिखाओ आपकी जो भी है, शो लैपटॉप करके मैं देख लूंगा, शो लैपटॉप्स, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत दिया है, ये सेलेक्ट लैपटॉप्स करके मेरे को देखना पड़ेगा, सेलेक्ट फ्रॉम फ्रॉम लैपटॉप्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि इसका जो मॉडल मतलब वो है आईडी है, लैपटॉप आईडी है वो 12, 13, 14, 15, 16 है। लैपटॉप मॉडल है वो HP डेल, HP अवीटा एसर है। स्टूडेंट आईडी 1, 2, 3, 4। अच्छा मैंने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी में गलत कर दिया, तो मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, थोड़ा सा मेरे को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने गलत डाल दिया है स्टूडेंट आईडीज में, अपडेट मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको अपडेट वाला। हम उसके अंदर करेंगे, सिंपल है, अपडेट करना है हमें, तो अपडेट इसके आगे एक सेकंड, अपडेट स्टूडेंट वेयर सेट स्टूडेंट नहीं, अपडेट लैपटॉप्स सेट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 5, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 5। सो ये हमारा हो गया, अब हम चेक करेंगे। अच्छा ये अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, एक सेकेंड मैं इसको चेंज कर देख लेता हूँ किस तरीके से ये काम कर रहा है। अपडेट मैंने यहाँ पर
स्टूडेंट आईडी की जगह पर यहाँ पर लिड दे देता हूँ, वेयर लिड इक्वल्स टू 16 कर देता हूँ, इसको करके देखता हूँ। सो ये चेंज होना चाहिए अब तो। हाँ अभी हमारा चेंज हो गया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हेयर। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा इस, ठीक है। इसके बाद में है कि जैसे हमने ये सब इंसर्ट कर दिया, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। पहले तो रिट्रीव द डेटा ज्वाइन करके, अगर हम इन दोनों डेटा को ज्वाइन करके रिट्रीव करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए कि मैं इसके अंदर से जो पहले दोनों टेबल लिख लेता हूं मैं, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट वाली में से मेरे को चाहिए आईडी और नेम, नेम और सिटी मान लीजिए, है ना। और इसके अंदर से चाहिए मेरे को इसके लैपटॉप की आईडी और इसका मॉडल, ठीक है। तो सिर्फ ये ही दो दो चीजें चाहिए, तो कैसे करूंगा मैं? या फिर मैं सिटी ले लेता हूँ, इससे नेम और सिटी ले लेता हूँ, इससे ले लेता हूँ मैं इसका मॉडल, तो मैं कैसे करूंगा? सेलेक्ट ई सी टी, सेलेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट वाली से क्या लेना है? स्टूडेंट वाली से लेना है हमें नेम, और स्टूडेंट वाली से क्या लेना है? सिटी। देखिए सारे कॉलम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, गिने चुने ले रहे हैं सिटी। अच्छा फिर लैपटॉप वाली से क्या ले रहे हैं? लैपटॉप वाली से ले, लैपटॉप्स वाली से ले रहे हैं हम मॉडल नंबर, इसका सिर्फ एल मॉडल। और कुछ लेना है? नहीं, फ्रॉम दो से लिया है हमने, स्टूडेंट एंड लैपटॉप से, ठीक है। अच्छा यहां पर कंडीशन और डाल देता हूं मैं, कंडीशन डालना ही जरूरी है। वेयर स्टूडेंट की जो आईडी है, एक चीज ये भी तो हो सकती है ना कि ये अलग अलग डेटा दे सकता है, हो सकता है कि ये चेतन के साथ में कोई और डेटा दे दे, तो ये होना चाहिए कि ये जो स्टूडेंट आईडी है दोनों की सिमिलर होनी चाहिए। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट वाली की जो आईडी है वो लैपटॉप वाले की स्टूडेंट आईडी के साथ में सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है, सेम होनी चाहिए। लैपटॉप्स वाले की जो स्टूडेंट आईडी है, यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, बहुत आसान है। क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट टेबल के अंदर जो आईडी नाम का कॉलम है, देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर जैसा है। स्टूडेंट जो समझ लीजिए एक बार समझने के लिए कि स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक डेटा वेरिएबल है, डेटा मेंबर है आईडी, ठीक है। वो किसके इक्वल होना चाहिए? लैपटॉप का एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये क्या एरर दिया इसने? रॉन्ग। सो ठीक है एक सेकेंड रुकिए, मैंने यहाँ पर लैपटॉप्स, सो लैपटॉप्स हैं और अपने पास में स्टूडेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या गलत किया है? चेक द मैनुअल दैट मोर यू फ्रॉम एंड वेयर। सो यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, सेलेक्ट कर लिया अपनों, स्टूडेंट नेम भी डाल दिया, स्टूडेंट सिटी डाल दी हमने, फिर लैपटॉप्स का मॉडल डाल दिया, यहाँ पर एल मॉडल है अपने पास में। फिर मैंने यहाँ पर एक कोमा दे दिया जो कि रिक्वायरेबल नहीं था, यहाँ पर कोमा नहीं देना चाहिए था मेरे को, ये मैंने दिया है। तो गाइज ये आप ध्यान रखिए, छोटी सी गलती भी बहुत वो हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ मैंने, मेरे को क्या रिट्रीव मतलब रिट्रीवल में क्या मिला? सिर्फ नेम, सिटी और एल मॉडल, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर इसका कोई अल्टरनेट मेथड चाहिए आपको, सपोज आपको अल्टरनेट मेथड चाहिए इसका, तो बहुत सारे अल्टरनेट मेथड्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मान लीजिए कि स्टूडेंट की आईडी तो ये है, और आपको चाहिए सिर्फ चेतन के बारे में, चेतन चाहिए सिर्फ, तो एंड स्टूडेंट नेम है वो क्या होना चाहिए? सिर्फ चेतन होना चाहिए। स्टूडेंट टेबल में जो नेम है वो किसके इक्वल होना चाहिए? चेतन के इक्वल होना चाहिए। आपको ये ऐसा चाहिए तो सिर्फ चेतन का निकल के आ जाएगा। अगर आपको और लगा दूं यहां पर मैं, तो चेतन का तो आएगा ही आएगा, और उन लोगों का भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया मेरा, ठीक है।
अब मैं आगे बढ़ता हूं, एट लास्ट मेरे पास में है अल्टरनेट, इसका मतलब एक इनर ज्वाइन का, इनर ज्वाइन की मदद से हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो इनर ज्वाइन को समझते हैं, इस लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट, स्टूडेंट वाली से मेरे को किसको सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट वाले से सेलेक्ट करना है नेम को, ठीक है। लैपटॉप वाली टेबल से किसको सेलेक्ट करना है, मेरे को रिट्रीवल में चाहिए सिर्फ एल मॉडल, लैपटॉप का जो मॉडल है वो ही चाहिए। और फ्रॉम कौन कौन सी दो टेबल से, स्टूडेंट और लैपटॉप। अब यहां पर कंडीशन देखिएगा, यहां पर हमें कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो कंडीशन देने की जरूरत थी। यहां पर देखिए, लैपटॉप इनर ज्वाइन लैपटॉप्स, ठीक है, ऑन। अब वो इनर ज्वाइन किसको कर रहा है, स्टूडेंट इनर ज्वाइन कर रहा है लैपटॉप्स को, किसके ऊपर, किसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि उनकी स्टूडेंट आईडी, इसकी तो आईडी और उसकी स्टूडेंट आईडी दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। stud student डॉट आईडी इज इक्वल टू किसके, लैपटॉप वाले की स्टूडेंट आईडी की। अच्छा, ये लैपटॉप्स आना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर लैपटॉप्स वाले की स्टूडेंट आईडी। दैट्स इट, हमने दो ही मांगा था और हमें दो ही मिला है, दैट्स इट। सो द ऑन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये है इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ज्वाइन एंड फॉरेन का जो एक कॉन्सेप्ट है, फॉरेन की एंड ज्वाइंस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ गए हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड वेरी सुन आई विल ऑल्सो गेट सम मोर वीडियोज रिगार्डिंग डेटाबेस। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।